तो दोस्तों क्या आपका भी चलता है कंप्यूटर बहुत स्लो? अगर ऐसी कोई बात है तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है तो मैं आपको ऐसे ऐसी पांच ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका कंप्यूटर हो जाएगा फास्ट। पांच भी ट्रिक्स बहुत ही शानदार है जिसमें आपका सिस्टम बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप सारी जो कमांड मैं बताता हूँ उसको फॉलो करिए और इनको अप्लाई करिए। सबसे पहले हमको क्लियर करना है हमारा हिस्ट्री टेम्परेरी फाइल। तो विंडो आर दबाएंगे तो यहां पर हमको लिखना है विंडो आर दबा के हमें विंडो आर प्रेस करके हमें यहां पर लिखना है टेम्प टेम्प टी ई एम पी टेम्प लिखेंगे टी ई एम पी और इंटर कर देंगे। जितनी भी ये फाइल है सारी फाइल को हमको कंट्रोल ए करना है मतलब ऑल सेलेक्ट करना और शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना। इसमें काफी सारी फाइल्स आपको लगेंगी कि ये आपने जो खोली होंगी रिसेंटली वो होंगी, आपका इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली ये स्टेप हो गई और इसको कर देंगे, ऐसा कुछ आता है तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर लास्ट में थोड़ी सी फाइल बचती तो डू दिस फॉर ऑल और स्किप कर देंगे उन फाइल्स को। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप फिर से हम विंडो आर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे परसेंट परसेंट और फिर टी एम पी लिखेंगे और फिर परसेंट लिखेंगे और इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद ये सारे जो भी फाइल्स होंगी इनको भी कंट्रोल करके शिफ्ट करके डिलीट कर देंगे। ये दूसरा नंबर है, ये दूसरी कमांड है। तो इसको देखिए ये काफी ज्यादा है और ये हम इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये काफी ज्यादा जो है 5 GB की है। देखिए इतनी सारी फाइल्स है इसलिए मेरा सिस्टम स्लो चल रहा था तो ये डिलीट हो रही है। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप पे आने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। तो इसके बाद जो है वो आती है थर्ड कमांड। तो थर्ड कमांड के लिए हमें डालना है पी आर ई एफ ई टी सी एच प्रीफेज, इसको बोलते हैं प्रीफेज, प्रीफेज बोलते हैं। तो इसको करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके कर देंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसको कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम आप फिर से इसमें ये देखिए 340 फाइल्स हैं तो ये भी यहाँ पर भी हम आपको इसमें कंट्रोल ए करेंगे और शिफ्ट दबा के हमको डिलीट कर देना जो कि परमानेंट डिलीट होती है और यस कर देना, इनको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद देखिए ये आया, कुछ फाइल्स बची होंगी तो डू दिस फॉर ऑल और स्किप कर देना कुछ फाइल्स। ये देखिए ये डिलीट हो गई, दोनों फाइल डिलीट हो गई। अब इसके बाद आता है अपना फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कभी कभी वर्क करता है और कभी कभी नहीं करता है तो फ्रेंड्स इसका ध्यान देना। रीसेंट रीसेंट डालना है, एक बार और बता दो रीसेंट। रीसेंट की स्पेलिंग आर ई सी ई एन टी रीसेंट, विंडो आर करके रीसेंट डालना है और रीसेंट डाल के आपको ओके कर देना। तो ये डायलॉग बॉक्स से ये आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा तो इसमें कुछ फाइल से इसको भी कंट्रोल ए करना और शिफ्ट दबा कर डिलीट कर देना। कभी कभी किसी किसी सिस्टम में ये फाइल डिलीट नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्किप करते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में नहीं होती, किसी किसी सिस्टम में हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं उस फाइनल स्टेप पर जिसको हम जिसका हमें इंतजार था, पांचवी। तो पांचवी जो स्टेप है उसको करने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ इतना करना है कि विंडो आर फिर से दबाना है। ठीक है, इसके बाद सॉरी इसके लिए विंडो आर नहीं दबाना, आपको सिर्फ विंडो दबाना है। विंडो दबा के इसका इसमें टाइप करना डी आई एस के डिस्क और स्पेस देके क्लीन अप। तो इसकी स्पेलिंग देख ले डी आई एस के डिस्क और स्पेस सी एल ई ए एन यू पी क्लीन अप। तो इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सी ही सेलेक्ट करना है हमको ड्राइव और ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए ये डिलीट हो गई है और ये डिलीट हो रही है। देखिए ये स्कैन करेगा, अब देखिए यहाँ पर कुछ फाइल्स है। अब ये देखिए ये 247 MB की फाइल्स है तो इसके लिए हमको फिर से एक बार और अभी इसको ओके नहीं करना है, इसको क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करना है। अभी फिर से क्लीन अप सिस्टम फाइल पे फिर से यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके बाद अपन को ओके करना है, दो बार ये प्रोसेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके देखिए इसके ये इस बार फिर से कैलकुलेट कर रही है। अब कैलकुलेट करके ये कुछ ज्यादा फाइल्स देगी। ठीक है, ये कुछ ज्यादा फाइल्स देगी तो ये जो भी फाइल्स देगी उनको हमको डिलीट करना है। ठीक है, उनको हमको डिलीट करना है तो वो फाइनल प्रोसेस हो जाएगी और इसके डिलीट करने के बाद आपका सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, लिटरली मैं बता देता हूँ। और अगर इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो और भी वीडियोज आएंगी जो कि एडवांस लेवल में आप और भी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल पे कह सकते हैं कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा जिससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है डिस्क क्लीनअप का कमांड हमने चलाया, वो कमांड अभी चल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद फिर से ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम में ये जल्दी से आ जाता है और सेकेंड टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है,
सारी फाइल को सर्च करता, सारी चीजें करता और देन ये काम करता है अपना। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इसको वीडियो को पोस्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया, पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आ गया है ना। ये देखिए अब इसमें देखिए ये यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर इसको सारे जो भी है रिसाइकल बिन से लेके हर उसको हमको चेक मार्क करना है। तो चेक मार्क करने के बाद हमको ओके कर देना है। ओके करने के बाद डिलीट फाइल्स, यस डिलीट फाइल्स। अब ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और फाइनली जैसे डिलीट होंगी तो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक और इसके बाद आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया कंप्लीट होने वाला, कंप्लीट होने के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, अब अपना सिस्टम जो है फास्ट। अब ये देखिए ये कभी कभी क्या है ये अटक जाता है और ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, अपना काम करें। और ये अगर क्लोज फिर भी नहीं होता तो आप खुद मैन्युअली इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा टाइम लेगा और ये क्लोज हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसने अपना काम कर दिया। तो ये थी कुछ कमांड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना नाम बता कर जरूर जाए और कहाँ से हैं ये भी बताएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।